अपने जख्मों को बनाया आई ना हमने आपको अक्स दिखाने के लिए। क्या बात है, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने आपको अक्स दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं कोई तमाशा बनना, हौसला चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। बहुत सारा हौसला आज आपके बीच में आया हूँ। और जैसे सभी बड़े बड़े कविगण मौजूद थे, सभी अपनी कविताएं कह रहे थे, सबका कहना था यहाँ से वहाँ तक तालियां बजनी चाहिए। मैं कभी भी अपने प्रोग्राम में जब भी मैं कॉमेडी करता हूँ तालियों के बारे में किसी से कभी कुछ नहीं कहता, मेरा अपना यकीन अलग तरह का है। आज भी मैं उसी यकीन के साथ यहाँ खड़ा हूँ। मेरा यकीन ये है कि मेरे आइटम पे आज भी वही सोच रहा हूँ कि आज भी अगर आज मेरे आइटम पर जो तालियां नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में लोगों के घर घर जाके ताली बजाएगा। तो अगर आपको अपना अगला जन्म सुरक्षित रखना तो आप तालियां बजा सकते हैं। हाय दोस्तों, हंसी मजाक के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आसपास हंसी मजाक हो जाती है। हम लोग जो मिमिक्री और कॉमेडी कलाकार हैं देखते हैं और उन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उन कैरेक्टर को लाकर फिर आप लोग भी पेश करते हैं। ठीक है, आजकल सबके लिए कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूंगा, बहुत समय की कमतरता है। बच्चों से शुरू करते हैं कि बच्चे आजकल के बच्चे जो है जेट एज के बच्चे हैं, बड़े खतरनाक बच्चे हैं, इतने खतरनाक बच्चे हैं आप उनसे एक सवाल पूछो दो दो तीन तीन जवाब हासिल है। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ एक 6 साल का बच्चा सोनू बड़ा खतरनाक है। एक दिन बाहर खेल रहा था मैं निकला तो बच्चे ने मुझे देखा, अंकल नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते बेटा, क्या चल रहा है? भाई देखते हैं अंकल, पढ़ाई चल रही है हमारी तो। अच्छा वेरी गुड, पढ़ाई चल रही है तो कुछ सवाल करो। अरे अंकल कुछ भी पूछो, हमको तो सब पता है। मैंने कहा बेटा बताओ ताजमहल के बारे में क्या जानते हो? अच्छा एकदम बोले ताजमहल। अंकल ताजमहल के बारे में हम जानते हैं कि ताजमहल बना था शाहजहां ने, और शाहजहां ने ताजमहल बनाया था मुमताज के लिए, और ताजमहल बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्चा किए थे। मैंने कहा बिल्कुल सही बताया बेटे, एक शेर सुनो। मैंने बच्चे को शेर सुना, आपको भी सुनाता हूँ। मैंने कहा बेटे सुनो, ये शाहजहां बेवकूफ था। बोली ना ताजमहल बोलेंगे ना चलो करो नहीं मतलब फिर शेर में वो बकरी हो जाएगा। शुरू करते तो शाहजहां बेवकूफ था। वाह वाह करो, वाह वाह करो, तो यही लाइन आखिरी तक चलेगी। वो प्लेट आ गई ना अभी इतना घटिया शेर सुना आपने ताजमहल का अच्छा शेर मैं आपको सुनो। मैंने कहा सुनो। अब 6 साल के सोनू ने ताजमहल का अच्छा शेर सुनाया, फिर जाकर सुनो। ताज ताज क्या करती है, ताजमहल बना डालूंगा। अच्छा ताज ताज क्या करती है, ताजमहल बना डालूंगा, और मुमताज तो मरकर गड़ी थी। तुझको मैं जिंदा गाड़ डालूंगा। अब ये खबर कौन की, सोनू बहुत शेरी शायरी करता, सोनू क्लास में पढ़ा था, क्लास टीचर ने एंट्री की। सोनू हाजिर सर, खड़े हो जाओ। हाँ सर, बहुत शायरी कर रहे हो आजकल। नहीं सर हमको आती नहीं। एक दो शेर हम सुनाओ। नहीं सर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अरे सुनाओ ना, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं सर अगर हम आपको शायरी सुनाएंगे ना तो संगीत का टीचर बहुत नाराज हो जाएगी। बोले नहीं होगी नाराज, तुम सुनाओ। लेकिन अपने पापा क्या जाते सुनो जी। सर स्कूल में इश्क का नया माहौल तैयार हो गया, स्कूल में इश्क का नया माहौल तैयार हो गया, और संगीत का टीचर को पप्पू से प्यार हो गया। स्कूल में इश्क का नया माहौल तैयार हो गया, संगीता टीचर को पप्पू से प्यार हो गया। ये देखकर सारी क्लास का दिल उदास हो गया, ये देखकर सारी क्लास का दिल उदास हो गया, सारी क्लास फेल और पप्पू पास हो गया। अच्छा लगता है जब आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं ईश्वर से खुदा से हमेशा दुआ करूंगा कि आप लोग इसी तरह जिंदगी भर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, है ना। आइए, जिस डिपार्टमेंट में बिलोंग करता हूँ, मतलब करता था, उस डिपार्टमेंट में भी होता है कि हाथ से कहीं भी हो सकता है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, और एक मतलब हमारे SID जो होती है स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वहाँ से मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड हुआ हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में भी आपने देखा होगा पुलिस वाले बड़े खतरनाक, ट्रैफिक पुलिस उस पर बहुत खतरनाक होते हैं। आपने देखा होगा कि रोड पर चेकिंग होती है, हेलमेट नहीं है तो इतना फाइन, और बीच में एक GR निकला था, अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जा रहे तो आपको 1000 रुपये फाइन होगा। उसी दौरान की बात ही, एक सज्जन अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, ट्रैफिक वाले देखा, ए चेक थांबा थांबा, गाड़ी तुमसे बदल गया, थांबा इधर आओ, तुम्हारा नाम बताओ। नाम क्यों, अभी आपका चालान बना पड़ेगा सर। सर चालान क्यों बनाना, आपने हेलमेट नहीं पहना। सर देखिए मुझसे गलती की, पहली बार गलती था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी हेलमेट खरीदता हूँ।
मैं अच्छा था, उसने बोला ठीक है सर आप गाड़ी बाजू में रखिए हेलमेट खरीदिए मैं चालान नहीं बना रहा। वो सज्जन पैदल पैदल गए दुकान पे हेलमेट खरीदा, हेलमेट पहने और पैदल पैदल आ गए थे। रास्ते में दूसरा पुलिस मिला, उन लोगों नाम बताओ तुम नाम बताओ, नहीं आपका भी चालान बनेगा ना। उसने कहा लेकिन हेलमेट तो पहना है ना, हेलमेट है ना, गाड़ी का है ना। वो तुम दिमागी चला रहे हो उनका, ये क्या तरीका है यार, गाड़ी थी तो हेलमेट के लिए चालान, हेलमेट तो गाड़ी के लिए चालान। वो सीधा एसपी साहब के पास पहुंचे कंप्लेंट लेके, सर ये गलत है, वो पहले वाला ठीक था मेरे पास हेलमेट नहीं था उसको चालान बना उसका मैं ठीक है, लेकिन सेकंड वाला गाड़ी के लिए चालान उसका तो तुम ट्रांसफर कर दो। अभी एसपी साहब ने गंभीरता दी कि बोले ठीक है सर आप चले जाइए मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। अब उस पुलिस सेकंड पुलिस वाले का ट्रांसफर ऐसे गाँव में कर दिया गया क्या, कोई गाड़ी वाड़ी मतलब ट्रैफिक का कोई रोल ही नहीं था। एक महीना हो गया परेशान हो गया, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक महीने बात वही हूँ कि गाँव का आदमी देहात देहा गांव का आदमी देहाती फैन पे बैठ करा झुल गया झुल गया आ रहा तो ट्रैफिक वाले कहा चलो यार एक महीने के बाद जम गए ओए बैंक वाले बैंक कर यार बता नाम बता कहां नाम बता तुमको। अबे तुम्हारा चालान बनेगा। अरे काहे चालान बनेगा उनका हैं। अबे तुम हेलमेट नहीं पहने हो, वो गांव का दिस ना देहाती सामने गांव के लोग देहाती लोग बहुत सज्जन खतरनाक ही होते हैं। बोलो साहब नीचे क्या ऊपर क्या देख रहे हैं आप हेलमेट तरफ, नीचे देखिए ना टू व्हीलर नहीं है फोर व्हीलर है। तो ये जो बातें होती है ट्रैफिक की, अब एक देखिए कभी कभी जब कल 31 लोग मना रहे थे हमारे यहाँ पर ड्रिंकन ड्राइव एक होता है, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो आपका चालान कर लेते हैं और हमारे पुलिस वालों के पास में एक ब्रेथ एनालाइजर होता है, एक मशीन होती है जिसमें आप ओट फूको आते हैं जब फूको और फूकने के बाद इंडिकेशन आ जाता है उस पर रेड लाइट जल जाता है तो समझ में आता है कि आप शराब पिए हुए हैं। ये ड्रिंकन ड्राइव चली थी, इंस्पेक्टर साहब थे, सब इंस्पेक्टर थे, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल चल रहा था, एक मोटरसाइकिल वाला है ट्रैफिक कांस्टेबल होगा भाई रुक जा घर भी दिमाग नहीं खा घर भी गाड़ी चलाता है आप मैं जिंदगी में दारू नहीं पीता मैंने कभी नहीं पी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम दारू पी के फूक उस पर फूक उसने फूका लाइट नहीं जला उसको दिमाग खराब हो गया नाटक करता है क्या छुपाते हैं जोर से फूक उसने जोर से फूका फिर भी लाइट नहीं जला तीन चार बार ये सिलसिला चला वो कांस्टेबल घबरा गया वो आला मशीन लेके इंस्पेक्टर साहब के पास गया सर ये मशीन खराब है बोले बताओ इधर चल रहे तो जवाब ये सब बातें होती है दोस्तों। आइए एक खास बात और बताना चाहूंगा आज के इस बेहतरीन से मौके पर कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी में एक खास किस्म की आदत पाई जाती है, किसी भी चीज को देखने के बाद दिख रही है लेकिन फिर भी पूछ कर कंफर्म करते हैं, ये सभी के अंदर है। आमतौर पर हम लोग कहीं जाने के लिए निकले ऑटो वाले का बात ऑटो खाली है क्या खाली रहता है वो ऑटो वाला घबरा जाता है उतरी का था कि नहीं बैठा। अब जो बहुत सारे यहाँ पर रेलवे के लोग भी हैं मतलब ऑफिस जाने वाले लोग हैं आप देखिए आप लोग नाइट में ड्यूटी लगती होगी है ना। अब हम नाइट ड्यूटी में जाते हैं घर से बिस्तर वस्तर लेकर दुनिया भर का वहां रात पर जाकर और सुबह लाल आम बाल बिखरे हुए बिस्तर वस्तर पीछे टंगा हुआ हम निकलते हैं तो हमारा जो कलीग होता वो आता है नाइट ठीक है अब ये ऐसा कोई घूमने जाएगा किसी के घर जाओ सपोज मैं आनंद भाई के घर पहुंच गया बेल बजेगी बाबू निकला बच्चा इनका बड़े पापा है अंदर बाथरूम में अच्छा नहा रहे क्या अच्छा और तो दोस्तों इतने दोस्त इतने खतरनाक होते हैं दूसरे घर पहुंच के सोया हुआ है वो खर्राटे मार के उसको उठा सोया था क्या यहां तक बात ठीक थी एक दिन वो मर गया आदमी चार लोग कंधे पे राम ना सत्य एक नीचे से आया मोटरसाइकिल मर गया क्या बताइए वो आधे घंटे से जो लेके बोले नहीं मारा नहीं है वो इसको लेटने का शौक है हमको उसके लेके घुमाने का शौक है आधा घंटा घुमाएंगे एक दिन तो हद हो गई हमारे रेलवे स्टेशन पे वो जो बड़ी वाली ऊपर की घड़ी है वो बिगड़ गई एक मैकेनिक बुला के अपनी उसके चढ़ उड़े के उसने सुधार उधार के नीचे उतर नीचे खड़े जैसे वो मैकेनिक नीचे उतरा एक दूसरा बिगड़ गई थी क्या
बताइए कितनी मुश्किल से चढ़ा था वो उतर, तो बोले नहीं बिगड़ी बिगड़ी नहीं थी, मुझे कम दिखता है टाइम देखने के लिए चढ़ा था। तो ये आदतें होती है। अच्छा वैसे आज के इस बेहतरीन से प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत सी हमारी महिलाएं बैठी, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी अपनी माँ बहन बेटी भी महिला है, महिलाओं की सभी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन महिलाओं के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है, और अगर नहीं बताऊंगा तो मुश्किल में आनंद भाई आ जाएंगे, जब शो खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे सब तो ठीक था, वो कौन था बीच में, इतना पता नहीं क्या पता, आनंद भी आपको समझते नहीं मत किस किस को बुला रहे थे आप, बिता सबके बारे में बताया, हमारे बारे में कुछ बताया पता नहीं कितनी हम लोग एक अपशे को आए हुए थे, तो ये कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं महिलाओं के बारे में भी बताना चाहूंगा। और एक बात खास तौर पर बताना चाहूंगा कि महिलाएं जो होती हैं किसी भी फंक्शन में कहीं भी जाने के पहले उनका एक खास चीज से चोली और दामन का साथ है, और वो चीज है मेकअप। विदाउट मेकअप हमारी महिलाएं कहीं भी नहीं निकलती, शॉपिंग जाना है मेकअप, घूमने जाना मेकअप, शादी में जाना मेकअप, फिल्म देखने जाना मेकअप, पार्टी में जाना मेकअप, मैयत में भी मेकअप है, ऐसा लगता है जो पता चला एक को कि आखिरी सांसें गिन रहा भाई तुम्हारा मित्र, वो देखने चले जाओ, देखने चले गए, हम उसको लेके तैयार हो या रोके एकदम फुल टू मेकअप, वो पड़ा हुआ था उसने देखा आ गई क्या तू, हाँ अच्छा मानती नहीं है, मानती ही नहीं है, अगर आप किसी से पूछो एक्सक्यूज मी मैम आप मेकअप करती है, नो नॉट एट ऑल आई डोंट बिलीव इन मेकअप, यू नो मैं मेकअप नॉट एट ऑल आई ओनली बिलीव इन नेचुरल ब्यूटी, हाँ मैं तो कभी मेकअप करती नहीं ना, मेरा पर्स देख ले ना, अब उनका पर्स खोल के आप देखेंगे उसमें छोटे वाले ब्रश निकलेंगे टिक टिक वाले जिससे बच्चे ड्रॉइंग करते हैं, है ना, अभी महिलाएं घर में जिससे मेकअप करते हैं ब्रश अलग जिससे हम लोग दीवार पर पेंट करते हैं बड़े वाले फेयर एंड लवली में डाला थुमर 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 निकल गए, किसी घर में वो ब्रश नहीं है कूची पाउडर में डाली, अच्छा आजकल हमारे ग्रेटर सिटीज की जो महिलाएं हैं बॉम्बे मैंगलोर साइड की वो लेट नाइट पार्टीज बहुत अटेंड कर रही है, और लेट नाइट पार्टीज जो होती है फाइव स्टार होटल में पब्स में वहाँ सारी चीजें होती है, ड्रिंक्स होता है, डीजे होता है, और वो अटेंड करती है, इसी तरह एक महिला वो उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसके बेटे ने पूछा मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, शट अप मम्मी के बच्चे नालायक, डोंट कॉल मी मम्मी वी आर गोइंग टू द पार्टी, यू नो हाँ मम्मी पर मम्मी नहीं बोलना है हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, मुझे मम्मी नहीं बोलना, फिर क्या बोलो आपको, मुझे दीदी बोलना दीदी, बच्चा समझ गया भाई मम्मी मम्मी नहीं बोलना, पार्टी चल रही थी डीजे चल रहा था बच्चा पीछे पीछे दीदी दीदी, अचानक पार्टी में हो के बच्चे के पापा आ गए महिला के हस्बैंड, बच्चे देख ये दीदी तो वो कौन आ गया, बच्चे ने बहुत सोचा और बता दी 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 जीजा जी आ गए, ये होता है। आइए समय की कमतरता है, आखिरी आइटम आप लोगों के बीच करूंगा जी, स्वागत है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं और हमारे टीचर ने कहा कि शराब पीना बहुत बुरी बात है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि ना पीना बुरा है ना पिलाना बुरा है, पी के बहक जाना बुरा है, जब भी कोई घटना दुर्घटना में बदलती है ना उसका कारण होता है लोग ज्यादा पी लेते हैं फिर लफड़ा करते हैं जी, अभी तक मैंने कुछ बताया आपको मुंह से सुनाया आपने सुनकर आपको, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, मैं आपको स्टेज से शराबी दिखाना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे शराबी देखे होंगे ये शराबी उनके करीब है तब आप लोग अपनी मोहब्बत अपना आशीर्वाद अपना प्यार ताली के रूप में दीजिए। देखिए मैं आपको दो शराबी बताता हूँ, पहला वो शराबी जिसने एक छोटी सी जो बॉटल होती है शराब की छोटा वाला पौवा जिसको बोलते हैं वो पी रखा है, और दूसरा शराबी है जिसने पूरा बम्पर बड़ी वाली डटक है, दोनों भी शराबी एक कैसेट और सीडी की दुकान पे कैसेट सीडी खरीदने जा रहे हैं, उनका अंदाज देखिए, पहले वो जाता है जिसने छोटी सी शराबी इतनी बड़ी बॉटल पे रखी है उसका अंदाज देखिए, वो किस तरह कैसेट सीडी मांगता है, वो उदास है क्या कौन सा उदास, अरे वो उदास है वो उदास उदास गाता है उसका नाम भी उदास है, अच्छा पंकज उदास, हाँ उसका कैसेट दो ठीक है नॉर्मल थे कम कम नशा था, अब जिसने पूरी शराब की बॉटल ही गिर गई थी वो भी कैसेट किस तरह खरीदने पहुंचे देखिए,
अनूप का लूट आएगा। सर क्या कैसा अनु को लोटा दे अनु को लोट। सर ये कैसेट की दुकान है, लोटा वाटी गिटी की दुकान पीछे। तू क्या पीछे समझ रहा है क्या? तू पीछे समझ रहा है कैसी बात कर रहा तू? क्या हमने कभी कैसेट ली नहीं क्या? नया कर दे अनु को लोटा दे अभी बाद में कैसेट वाले को समझ में आया। सर आपको अनु जलोटा का कैसेट मांगता है क्या? तो तब से मैं क्या बोल रहा हूँ। कैसेट ले निकले, सामने से लड़की जाती हुई दिखी, लड़की को देख लिया। अच्छा इस आइटम में मुझे बहुत फायदा होता है, लोग समझते कि मैं आइटम कर रहा हूं, लेकिन उस चक्कर में सब देख लेता हूं। तो लड़की को देख के कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी तेरी बोली और सूरज की टिकाली, तुझे देख के उल्टी मुझे आने लगा। तो दोस्तों शराब नहीं पीनी चाहिए ऐसा मानना है। एक आखिरी आखिरी आइटम फाइनल आइटम। अच्छा वहां लग गए क्या आप लोग? अच्छा देखिए वहां अंदर खाना चालू है। हाईवे पे आप लोग सफर करते हैं, जानते हो कि हाईवे पे हमें रात बिरा तक एक ही जगह एक चीज एक जगह ऐसी होती है जहां रात में हमें खाना मिलता है, वो ढाबा है। और ढाबे पे हमने जो मोस्टली देखा है कि ढाबे पे सारी चीजें वेज नॉन वेज के साथ में आजकल वाइन भी शराब भी परोसी जाती है, तो दोनों काम चलते हैं। और मोस्टली पंजाबी भाइयों के ढाबे होते हैं, काके का ढाबा, पंजाब का ढाबा, ए ढाबा, वो ढाबा। अभी एक मेरे मित्र हैं सिंधी भाई हैं, शुभनाम जी, बहुत प्यारे आदमी हैं। एक दिन मेरे पास में आए तो बोले राम राम साजिद भाई। मैंने कहा राम राम। अच्छा एक बात बता, ऐसा ये ढाबा जो है तो पंजाबी खोल सकता है क्या? मैंने ऐसी की बात। अच्छा मैं खोल सकता है? मैंने कहा बिल्कुल खोल सकते हो। तो हमारे सिंधी भाई ने ढाबा खोल लिया और ढाबे का नाम रखा पंजाब का ढाबा, बढ़िया ढाबा। अब वो ढाबे की विशेषता है कि उन्होंने ढाबे पे एक बड़ा सा बैनर, जैसे पीछे फ्रेंड्स म्यूजिकल का बैनर है, बैनर लगा के रखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था यहाँ ताजा मछलियां मिलती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। एक दो लोग जाने लगे, एक शराबी पहुंचा वहां पर, बैठ गया, ऑर्डर दिया, दे पूरा बम्पर लगे, लो बाद में खाने का ऑर्डर ले। ओके बाबा, दो पैक बने, पेट के अंदर गए, उस शराबी का नजर गई उस बैनर पे, वो उनके काउंटर पे आ गए। सिंधु भाई ये क्या लिख रहे आपने बैनर पे? ढाबा लिखा है यहाँ ताजा मछलियां मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओके ओके, यहाँ यहाँ ढाबा है नहीं, यानी मिलेगी तो क्या मेडिकल स्टोर में मिलेगी? काटो यहाँ को काट दो। यहाँ कट गया, बचा ताजा मछलियां मिलती, शराबी फिर वापस, फिर दो पैक बना, फिर पेट के अंदर, फिर काउंटर पे। अभी क्या लिखा? ढाबा लिखा है ताजा मछलियां मिलती। ओके, तो इतना चिल्लाने की जरूरत क्या? ताजा मतलब बाकी लोग क्या बासी खिला रहे क्या? ताजा को काटता तो ताजा बिगड़ गई, बचा मछलियां मिलती है, शराबी फिर वापस, फिर दो तीन पैक अंदर पेट में, फिर काउंटर पे। अभी क्या लिखा? अरे बाबा अपना काम करो ना यार। नहीं बता क्या लिखा? बाबा लिखा है मछलियां मिलती है। अच्छा मछलियां, मछलियां ढाबा है ना, तो अभी तक के हाथी और घोड़े खिला रहे थे किन लोगों को? सर मछलियों को काट, मछलियां भी कट, अभी बचा बैनर पे मिलती है, शराबी फिर वापस गया, बच्ची को जीते नहीं, बॉटल में शराब थी सब पी लिया और निकला। ओके बॉस चलते हैं और लौट के मिलते हैं आपके लिए अच्छे के सब। बट एक बार दोस्तों, अभी बैनर पे क्या लिखा? आप बाकी जगह लिखा यार,
अभी तुम काट 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 बोला सब काट दिया ना? नहीं 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 नहीं, कुछ तो भी दिख रहे हो, कुछ तो भी दिख रहा है। बाबा लिखा है मिलती है। अच्छा ओके ना, ठीक है ना, तो मिलती है क्या? मिलती है बाबा, मछलियां मिलती है ना? हाँ तो लिखना लिखती क्यों? थैंक यू सो मच, आपने सुना, ताली बजाइए, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सिर्फ इतना कहते हुए कि चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, जितने चाहे धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा कफन हर लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा, अरे तुम बदलो या हम बदले हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। थैंक यू सो मच।